आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि ग्रो ऐप में आप कैसे अपने पैसों को ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। आज की इस वीडियो में आपको 100 रुपीज में आपको ऐड करके दिखाने वाला हूं ग्रो एप्लीकेशन में, जिससे आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप अपने ग्रो ऐप में बहुत ही आसानी से पैसे को ऐड कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने ग्रो ऐप में अपने नए बैंक अकाउंट से आपको पैसे ऐड करने होते हैं, तो उसी का मैं आज आपको प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं और 100 रुपीज ऐड करके आपको दिखाने वाला हूं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। मैं हूं एडवोकेट जीशान और आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बिजनेस फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने ग्रो ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें और अपने मोबाइल में आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल करें, उस पर अकाउंट बनाएं। ये बिल्कुल ही टोटली फ्री होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपए भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप तुरंत जाके उसे इंस्टॉल करें, आईडी बनाएं। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप में पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले उसे ऐड करना होता है। उसे ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ग्रो ऐप एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आपने अपने फिंगर से इसे अगर आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप फिंगर का यूज़ करेंगे। अगर आप पिन का यूज़ करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिया है कि एंटर ग्रो पिन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन डालने का ऑप्शन देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो लॉगिन करने का तरीका रखा है वो अपने फिंगर को टच करने से रखा है। तो यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है यूज़ ग्रो टच आईडी पर। यहाँ पे मैंने टच किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फिंगर को टच किया और इसके बाद मेरा जो ग्रो का एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको पैसे को ऐड करने के लिए ऊपर देखिए, राइट हैंड पे ऊपर यहाँ पे जहाँ पे जेड लिखा है, इस तरह से आपके भी ऐप में कोई ना कोई एक आपको लेटर दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 65 रुपीज़ और 66 पैसा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें 100 रुपीज़ और ऐड करने वाला हूँ। उसे ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ऐड मनी लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद, इस पर टच करने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे आपको दिखा देगा अमाउंट टू ऐड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितना अमाउंट ऐड करना है। अगर आप सपोज करिए कि यहाँ पे आप 100 रुपीज़ से नीचे अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका ऐड नहीं होगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे डाला 99 रुपीज़ मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए ऐड मनी, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 रुपीज़, यानी कि जो आप अमाउंट ऐड करेंगे वो मिनिमम 100 रुपीज़ होना चाहिए। 100 रुपीज़ से नीचे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 100, 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है पे यूजिंग, तो मैंने यहाँ पे पहले भी गूगल पे के अकाउंट से पैसा ऐड करा है इसलिए वो दिखा रहा है। आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन भी मिलते हैं, यहाँ पे आप फोन पे, अदर UPI ID, नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आपने ग्रो के ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त आपने जिस अकाउंट को मेंशन किया था उसी अकाउंट से आपको पेमेंट करनी होगी, मतलब उसी अकाउंट से आपको मनी ऐड करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे अपने गूगल पे के, इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने गूगल पे के अकाउंट से, अपने PNB के अकाउंट से इसमें मनी ऐड करी थी। मैं इसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट ना करना चाहें तो आप मोर ऑप्शन में जाके आपने जिस भी अकाउंट को अपने ग्रो ऐप में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने ऐड किया है उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे गूगल पे से ही पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड मनी पर क्लिक कर दिया। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और देखिए यहाँ पे भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि मुझे गूगल पे के थ्रू इसमें पैसा ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे मेरे जो मोबाइल में गूगल पे का एप्लीकेशन पड़ा हुआ था वो अपने आप ही ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में, जो कि
अब इसको हम यहाँ पे अपने फिंगर को टच करते हुए अपने गूगल पे अकाउंट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा 100 रुपीस, ठीक है, PNB अकाउंट से मेरे जाएगा जिसका लास्ट में 9533 अकाउंट नंबर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये मेरे लोकेशन ऑन करने के लिए पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जिस तरीके से आप किसी को पेमेंट करते हैं उसी तरीके से इसमें भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको जो गूगल पे पे किसी को पेमेंट करने के लिए जो आप पिन यूज़ करते हैं उस पिन को आपको डालना होगा। जैसे कि देखिए मेरे सामने भी यहाँ पे आ चुका है एंटर 6 डिजिट UPI पिन, तो मैं यहाँ पे वो पिन डालूंगा जो मैं गूगल पे से पेमेंट करने के लिए जो मैंने बना रखा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे चेक के निशान पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे मेरे सामने लिख चुका है कि देखिए यहाँ पे मेरी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब ये वापस से ग्रो ऐप में जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं वापस से ग्रो ऐप पर पहुंच गया हूं और यहां पे अब ये फिर से प्रोसेसिंग ले रहा है। आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल अमाउंट 100 रुपीज फ्रॉम दिस अकाउंट टू ग्रो बैलेंस, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे 100 रुपीज ऐड कर दिए हैं और नीचे आपको दिखा रहा है अपडेटेड अकाउंट बैलेंस 165.66। पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये थे, अब यहाँ पे 165 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐड करने के बाद 165 रुपीज़ हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूँगा। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आप इसको यहाँ से बैक करेंगे तो देखिए जहाँ पे आपको पहले 65 दिखा रहा था वहाँ पे 165 हो चुका है, ठीक है। अब मैं वापस से देखिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है अवेलेबल टू इन्वेस्ट 165.66। पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65.66 था, 100 रुपीज़ मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर लिए हैं। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ग्रो ऐप में अपने अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो मैंने पैसे ऐड करे हैं इसको किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।